हेलो दोस्तों, मैं राज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 के। दोस्तों मैंने कल प्रश्नावली 8.2 करवा दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके इसे देख लीजिए मेरे चैनल के वीडियो पर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत कम दिन बचा है दोस्तों। इसलिए मैं सारी सब्जेक्ट की करा रहा हूँ, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और इंग्लिश, सभी का कारण। सो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा क्या है, साइन 18 बटे कॉस 72, ये है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक ट्रिक याद रखना, चाहे इसको तोड़ दो चाहे इसको तोड़ दो, दोनों में से किसी एक को तोड़ना। चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 18 को, साइन 90 माइनस 72। अब 90 में 72 घटाएंगे तो 18 ही होगा, ठीक है दोस्तों। आप घटा के देख लीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही को तोड़ना, चाहे इसको तोड़ो या चाहे इसको तोड़ो। अब देखिए आपने सूत्र जानता होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों। वही सूत्र लगेगा यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के बदले में क्या है 72 और नीचे कॉस 72, अब इन दोनों को कटाएगा तो एक, यानी एक आंसर हो गया। उसी तरह दूसरा दोस्तों है, दूसरा है टेन 26 बटे cot 64, इसमें भी चाहे इसको तोड़ दीजिए चाहे इसको तोड़ दीजिए। चलिए मैं इस बार इसको तोड़ देता हूँ, तो टेन 26 बट इसको तोड़ दो, cot 90 माइनस 26, 90 में 26 घटा होगा तो 64 होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टेन 26, अब कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, ये भी सूत्र होता है, लिख लीजिए। तो टेन अब थीटा आ जाएगा 26 और 26, ये भी कट के, ये भी आंसर एक। अब तीसरा देखिए, तीसरा दोस्तों है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यही है ना, कॉस 48 में था। अब देखिए इसमें वही करना है, किसी एक को तोड़, इसको ही तोड़ देता हूँ, तो कॉस 90 माइनस 42, अब देखो 90 में 42 घटाओगे तो 48 होगा, मैंने बस कुछ नहीं किया ये लिखा है, इसको भाई ऐसे ही लिख दो, सिर्फ किसी एक को तोड़ना यार, ट्रिक बहुत अच्छा है, याद रखिए इसको। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लिख देता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, इस सूत्र को लिख लीजिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा के बदले में 42 तो 42, अब इधर क्या है साइन 42 पहले से है, अब साइन 42 माइनस साइन 42 कट के 0 आंसर। उसी तरह चौथा, चौथा क्या दोस्तों, कोसेक 31 माइनस सेक 59, ये है ना, इसमें भी किसी एक को तोड़ दो, चलिए मैं इस बार इसको तोड़ देता हूँ, तो कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31, अगर 90 में 31 को घटाओगे तो 59 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब फिर वही कोसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा सूत्र होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक 31 हो जाएगा, कोसेक कोसेक खत्म, 0 आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे हिसाब, दूसरा हिसाब दोस्तों ये क्या है, ये प्रूव करने का रहा है, यानी कि सिद्ध करने, क्या बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है ये। मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा सवाल, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सोचते, दूसरा का पहला, पहला है दिखाइए कि मतलब प्रूफ करने बोले, इतना बराबर इतना एक है, लिख लेते हैं टेन 48 इंटू टेन 10 टेन 42 इंटू टेन 67 बराबर एक, हमको प्रूफ करने के लिए बोला, यानी कि दोस्तों सॉरी दोस्तों, इस वाले पार्ट को बोलेंगे LHS, यानी इसको LHS इसको RHS, इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS और इस वाले पार्ट को RHS बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। 48 अगर 42 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, और 10 और 67 जोड़ेंगे तो कितना 90 होगा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को तोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, तो 10 90, अब 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42, अगर 90 में 42 घटाओगे तो 48 होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको तोड़ो, 10 90 माइनस 67, अगर 90 में 67 को घटाते हो तो 23 होता है। अब इन दोनों को तोड़ दिया, अब इन दोनों को वापस लिख दो, इसमें ये ट्रिक है, 10 42 और 10 67, अब देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42 डॉट 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 67, इन दोनों का क्या होगा 10 42 इंटू 10 67। दोस्तों एक सूत्र आपने देखा होगा कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर सूत्र होता है एक, दोस्तों क्या होता है लिख लीजिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है एक, तो कॉट 42 टेन 42 तो इसका मान एक हो गया, फिर कॉट थीटा टेन थीटा यानी इसका मान एक, यानी कि एक बराबर एक। दोस्तों देखिए आप, एक प्रूफ हो गया ना, हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, इस हिसाब को ऐसा ही बना, ठीक है दोस्तों। उसी तरह दूसरा बनेगा आपका, दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा क्या है, कॉस 38 कॉस 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है दोस्तों। इसको भी वैसे करना, देखिए 38 और 52 कितना होता है 90 होता है, और 52 38 कितना 90 होता है, इन दोनों को तोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, जैसे इसमें किया ना,
इन दोनों को तोड़ा, इन दोनों को छोड़ा, उसी तरह इसमें इनको इनको तोड़ दो, इनको इनको छोड़ दो, तो कॉस 38 को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 52, अगर 90 में 52 घटाते तो 38 होता, ठीक है दोस्तों। अब कॉस कॉस इसको 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38, अगर 90 में 38 घटाओगे तो 52 होगा। अब इन दोनों को वापस लिख दो, साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है दोस्तों। अब कॉस 90 में थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 इंटू कॉस 90 में थीटा साइन 38, इन दोनों को वापस लिख दो, साइन 38 साइन 52। अब देखो दोस्तों साइन 52 साइन 38 साइन 52, ये तो अपने आप जीरो हो गया, ऐसे मतलब देखिए जीरो प्रूफ हो गया ना, इसलिए इसको भी लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, ऐसे लिखना, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं जो कि एग्जाम में बार बार आता ही आता है, इसका फिक्स है, तीन नंबर सवाल आपको दिख रहा है बढ़िया से, तीन नंबर सवाल देख सकते हैं आप, तीनों सवाल, यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 जहाँ टू एक न्यून को है, न्यून का मतलब 90 छोटा, तो एक अमाउंट ज्ञात कीजिए दोस्तों। हम इसको लेते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, क्या दिया हमारा टेन टू ए बराबर दोस्तों कॉट ए माइनस 18 आपका दिया हुआ, ठीक है, और इधर एक अमाउंट ज्ञात करने बोला दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिए इधर 10 है ना, इधर भी आपको 10 करना हो क्योंकि हमें कटाना है, क्या करना है कटाना है, इधर देखिए 10 है इधर लेकिन कॉट है, इसको भी 10 कर दीजिए तब दोनों क्या कट जाएगा, तो इसको वापस इसको कुछ नहीं करना, इधर वाले को तोड़ दीजिए, इधर को वापस लिख दीजिए टेन टू ए, अब कॉट को लिख सकते हैं हम, देखो ये जो ए माइनस 18 डिग्री है ना इसको थीटा मान लो, क्या मान लेंगे थीटा, तो जब इसको थीटा मान लेंगे तो ये वापस से हो गया ना कॉट थीटा हो गया ना, अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा, तो थीटा मान है ए माइनस 18, तो इसको ऐसे लिख देती है ए माइनस 18, ठीक है। अब देखिए टेन टू ए, अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा, अब देखिए सॉरी, अब देखिए टेन टेन खत्म हो गया ना, इधर क्या बचा टू ए, टू ए बताना टू ए, और इधर क्या बचा 90, अब माइनस से ये क्या गुना होगा ब्रैकेट है, तो माइनस गुना ए माइनस ए और माइनस गुना प्लस प्लस ए, अब देखिए टू ए तो क्या दोस्तों 2a, ए माइनस ए को इधर खींच लीजिए तो प्लस हो जाएगा, और इधर 90 18 जुट जाएगा तो 108 हो जाएगा, 2a कितना हो गया 3a बराबर 108, अब कटा दीजिए दोस्तों इसको, तीन से कटाइएगा इसको तो 36 बार में कट जाएगा, इसलिए a बराबर 36 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए आप इसको। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर, चौथा सवाल दोस्तों वही है, अब देख सकते हैं चौथा सवाल, चौथा सवाल दोस्तों कह रहा है हमारा, यदि टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी और 90 डिग्री, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका दोस्तों, आप इसको लिखते जाइए एक एक करके जैसे मैं बता दे रहा हूँ, तो टेन ए, तो टेन ए चार नंबर है ना, तो चार नंबर इसको दे दो, टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर हमारा क्या कह रहा है 90 सिद्ध करने के लिए दोस्तों, इसको भी वैसे करेंगे, ये टेन है इधर भी टेन पूरा ही है, जैसे मैंने तीसरे सवाल में किया उसी तरह ऐसे भी करना है, तो टेन ए इसको भी टेन में बदलिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बी, इसको क्यों लिखें क्योंकि टेन 90 माइनस बी सूत्र होता है कॉट बी, अब देखिए टेन टेन खत्म हो गया, इधर क्या बचा ए बचा, इधर क्या बचा 90 माइनस बी, ये बहुत सिंपल है, अब देखिए माइनस बी को इधर खींच लीजिए तो प्लस बी हो जाएगा बराबर 90 हो गया ना प्रूव, लिखेंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव, ठीक है दोस्तों। पाँचवा सवाल देखिए, पाँचवा सवाल दोस्तों वैसे ही कह रहा है, पाँचवा सवाल हमारा कह रहा है यदि सेक चार ए बराबर कोसेक ए माइनस बी डिग्री जहाँ चार एक न्यून करें तो एक अमाउंट, ये बिल्कुल तीसरे का जैसा सवाल है, तो देखिए क्या दिया हुआ हमारा पाँचवा है ना, पाँचवा सेक फोर ए बराबर, सेक फोर ए बराबर कितना है दोस्तों कोसेक ए माइनस बी डिग्री है ना, तो एक अमाउंट ज्ञात कीजिए, सिंपल वही है, वही तरीका करना है जैसे तीसरे सेक फोर है, इधर भी इसको सेक करो क्योंकि हमें कटाना है दोस्तों, देख रहे हैं आप तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों हिसाब एक जैसा है, कैसा एक जैसा, इधर देखिए टेन है तो मैंने इसको भी टेन पूरा, इधर देखिए टेन है इसको भी टेन पूरा, अब इधर सेक है तो इसको भी सेक पूरा हो, ठीक है सेक पूरा, सेक फोर ए बराबर, अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं सेक, अरे वापस से जो ए माइनस बीस डिग्री देख रहे हैं ना इसको थीटा मान लीजिए, क्या मानेंगे थीटा, जैसे मैंने इसको माना था ना तीसरे को ए माइनस 18 को थीटा माना था, उसी तरह इसको भी आप ए माइनस बीस को थीटा मान लीजिए, को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में ए माइनस बीस डिग्री, अब देखिए सेक सेक खत्म, इधर क्या बचा इधर चार ए बचा चार, इधर क्या बचा 90 माइनस गुना ए माइनस ए, और माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब देखिए ये ए को इधर खींच लीजिए क्योंकि ए का जात है, तो चार ए माइनस ए को इधर खींचेंगे, इधर क्या बचा 90 बीस, और 90 बीस जुट जाएगा 110, चार ए और एक ए तो 5 ए हो गया बराबर 110, कटाइए 5 से कटेंगे तो 22 हो, यानी कि ए बराबर 222 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे छठे नंबर की ओर दोस्तों, छठा नंबर देखते हैं आप, छठा नंबर दोस्तों कह रहा है यदि
यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब दोस्तों अंदर का कोण जो त्रिभुज का रहता है, तो दिखाइए कि, मतलब ये भी प्रूव करने के लिए बोल रहा है, दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटी टू बराबर कॉस ए बटी टू। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि इसको ऐसे बनाना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के, ये त्रिभुज का निशान है ठीक दोस्तों, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, सबको पता ही है, लिख लीजिए आप इसको बढ़िया से। अब दोस्तों ये होता है, अब देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो जाएगा, होगा ना, तीनों कोणों का योग 180 हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, जो बी प्लस सी है ना, तो बी प्लस सी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 180। अब ए को इधर फेंक दीजिए, तो यहाँ प्लस में है तो इधर इधर आएगा तो माइनस में होगा ठीक है। आप देखिए इसमें लॉजिक कैसा लगेगा, आप ध्यान दीजिएगा, इधर मेरा क्या बचा, b प्लस सी, क्या बचा, b प्लस सी बराबर 180 माइनस है। अब देखिए तो b प्लस सी बराबर जो 180 माइनस a बचा, अब क्या करेंगे हम, लिख देंगे यहाँ दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ दो से भाग देने पर, क्या दोनों तरफ दो से भाग, ये आपको लिखना है ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, दो से भाग दीजिए, b बटे टू प्लस सी बटे टू बराबर 180 बटे टू माइनस a बटे टू हो गया। अब देखिए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वापस हो जाएगा b प्लस सी बाई टू। अब देखिए ये कि दो से अगर इसको कटाएंगे तो 90 बार में कट जाएगा, 90 दोनों 180, तो इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई टू हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हमारा हिसाब बन गया, अब यहाँ क्या कुछ नहीं करना है, हिसाब कह रहा हमारा साइन b प्लस सी बटे टू बराबर कॉस ए बटे टू, इतना हमको क्या करें प्रूव कीजिए, क्या करें प्रूव कीजिए। तो देखिए आ गया आपका b प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस ए बाई टू, सिंपल दोस्तों कुछ नहीं है, दोनों तरफ हम साइन से गुना कर देंगे, ये भी लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ये आपको लिखना है ठीक है। अच्छा साइन में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू, अब इधर साइन बी प्लस सी बाई टू। अब देखिए दोस्तों ये क्या, इसको थीटा मान लीजिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा जब क्या ए बाई टू, वो तो गया प्रूफ दोस्तों, ये तो कह रहा है हमारा, ये नहीं कह रहा है, देख रहे हैं आप, लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूफ ठीक है दोस्तों, आए समझ में। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव वगैरह हम पूछ लेता है, फिर भी हम इसको बता देते हैं आपको ठीक है दोस्तों। ये सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 70 को 0 और 45 के बीच कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त कीजिए। दोस्तों मिसाल लिखते हैं साइन 67 प्लस कॉस 75, 0 और 45 के बीच का है ठीक है दोस्तों, 0 45 के बीच का है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, बोलो क्या, 67 है ना, 67 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 90 में अगर 23 घटाएंगे तो साइन 90 माइनस 23, अगर 90 में 23 घटाते दोस्तों तो 67 हमारा पुड़ जाता है ठीक है दोस्तों, ये सात है दोस्तों। फिर प्लस कॉस 0 से 45 लिए, 23 लिए ना तो 45 के पीछे है, अब कॉस इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 25, 90 में 25 घटाओ तो 75 पुड़ जाएगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस, अब थीटा जगह 23 है तो 23 दे दिए, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा, यानी कि साइन 25, ये दोस्तों आपका आंसर होगा ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ 8.3 आपका कंप्लीट कर दिया, आज देख सकते हैं कल मैंने 8.2 कंप्लीट किया था, आज 8.3 कंप्लीट किया, और दूसरे दिन दोस्तों मैं 8.4 कंप्लीट करूँगा ठीक है दोस्तों। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।